नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट कॉर्नर में आपको बटन मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका रजिस्टेंस बॉक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रोटर का जो रजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, टोटल रजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर वोल्टेज अपॉन रोटर करंट इंटू 1.73। और जो रोटर वोल्टेज का वैल्यू है, रोटर करंट का जो वैल्यू है, ये आपके मोटर के नेम प्लेट पर मिल ही जाएगा आपको, पर जो वैल्यू आ जाएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको जो वैल्यू लेने वाला हूँ वो मैं एक कैलकुलेशन के लिए ईजी हो, आसान हो, इसीलिए मैं उसका एक के का कांस्टेंट वैल्यू में 100 ओम लेने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 100 ओम ले ली है। तो ये रोटर से कनेक्शन आ जाएगा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के। ये स्टार पॉइंट है, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। तो इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 80% सर्किट में रखते हैं। सेकेंड स्टेप में 35% रेजिस्टेंस सर्किट में रखते हैं। थर्ड स्टेप में 18% और फोर्थ स्टेप में 7% रखते हैं, या फिर पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में से बाहर लेके जाते हैं। तो इसके ऊपर ये कैलकुलेशन है, आइए देखते हैं कैसा है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा रजिस्टेंस का, तो वही वैल्यू में आपको ये वैल्यू पुट करना है। तो फर्स्ट स्टेप का वैल्यू निकाल लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में सर्किट में कितना रजिस्टेंस हम कट ऑफ करते हैं। तो 100 ओम यहाँ पे हमने ले ली है, और जो 80% जो सर्किट में रहेगा वो 80% से हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 80 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में रहेगा, और जो 20% रेजिस्टेंस है, क्योंकि 100 माइनस 80, तो जो 20 जो रेजिस्टेंस है 20 ओम वो सर्किट में से बाहर चला जाएगा। यानी हमारा जैसा ही फर्स्ट स्टेप का कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा रेजिस्टेंस का, तो हमारा सर्किट में से 20 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में से बाहर चला जाएगा, और पूरे सर्किट में ये 80% बाकी रहेगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन है। तो आइए देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अभी सर्किट में आपके जितना भी रेजिस्टेंस बाकी है, तो हमारा वो रेजिस्टेंस बाकी है 80 ओम। तो 80 ओम इंटू 35%, क्योंकि ये सर्किट में अभी हमारा बाकी चाहिए, तो जितना भी सर्किट में इसका वैल्यू आ जाएगा वो 28 ओम रहेगा। तो अभी जो 80 ओम में से जो रेजिस्टेंस हमने आउट ले लिया है सर्किट में, तो वो 28 ओम रहेगा। तो 80 ओम में से हमारा 52 ओम सर्किट में से बाहर चला जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो सेकंड स्टेप में रहेगा। तो सेकंड स्टेप में हमारा जो वैल्यू आउट होगा वो रेजिस्टेंस का 52 ओम सर्किट में से बाहर चला जाएगा। अभी थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, तो हमारा अभी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में 28 ओम है, तो थर्ड स्टेप में हमारा सर्किट में 18% रेजिस्टेंस चाहिए, बाकी का हमको सर्किट में से बाहर लेके जाना है। तो 28 इंटू 0.18 इज इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा आपका ये वैल्यू। तो 28 माइनस 5, तो सर्किट में से ये पूरा 23 ओम बाहर चला जाएगा। जैसे ही हमारा थर्ड स्टेप का कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, तो ये हमारा 23 ओम बाहर लेके जाएगा। अभी जो लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में क्या है, किसी किसी मोटर में 7% रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में रख देते हैं, किसी किसी में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स आउट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अभी हमारे सर्किट में 5 ओम रेजिस्टेंस बाकी है, तो 5 ओम इंटू 7%, यानी 7% का हो गया 0.07 इंटू 0.07 इज इक्वल टू 0.35 आ जाएगा। तो ये 0.35 हमारा सर्किट में रहेगा एंड तक, और ये 4.65 पूरा सर्किट से आउट होके जाएगा। यानी ये वाला रेजिस्टेंस जब हमारा कट ऑफ होगा तो 4.65 सर्किट से आउट हो जाएगा, और 0.35 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा। यानी यहाँ पे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस सर्किट में बाकी होगा, वो 0.35 रेजिस्टेंस होएगा। और किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बाकी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आउट हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारा वो 0% हो जाएगा, यानी सर्किट में अभी रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं रहेगा। तो इसकी जब हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ पर पूरी टोटल करेंगे, तो यहाँ पर टोटल ये आ जाएगी, और बाकी जो सर्किट में रेजिस्टेंस बाकी है 0.35, तो ये टोटल हम लोग करेंगे तो पूरा हमारा 100 रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलेगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।